Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log in to our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है और उसमें जो टॉपर से जेई मेन 2019 जनवरी एग्ज़ाम के उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, वो अप्रैल वाला जेई मेन्स का एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि कैसे डिसाइड करें। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि कैसे डिसाइड करें अप्रैल वाला एग्ज़ाम दें या ना दें, तो उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तो चलिएगा शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। एनडीए वुड बी कंडक्टिंग जेई मेन 2019 सेकंड इन अप्रैल बेस्ड ऑन द बैटर ऑफ टू स्कोर। जेई मेन 2000 रैंक वुड बी कैलकुलेटेड फॉर विच जेई एडवांस 2019 शॉर्ट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड। हेयर इज़ वट टॉपर से। तो जैसा कि आपको पता है अप्रैल में जेई मेन सेकेंड होने वाला है 2019 का, और जो दोनों का बेस्ट स्कोर होगा उससे रैंक डिसाइड होगी और शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स जेई एडवांस के लिए 2019 वाला एग्ज़ाम जो मई में होने वाला है। तो भाई देखते हैं टॉपर्स क्या कहते हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन 2019 जनवरी एग्जामिनेशन इज ओवर। द नेक्स्ट स्टेप फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट इज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे वुड बी अपीयरिंग फॉर द जेई मेन 2019 अप्रैल एग्जामिनेशन। Between many suggestions and advice, here is what JEE Main 2019 January toppers have to say about their plans for reappearing for April examination. JEE Advanced 2019 preparation plan and strategy. So guys, Sambit Behra, a student from Kota who scored 100 percentile, is not too keen on appearing for the JEE Main 2019 April examination. When speaking about the same, Sambit said, "I would rather focus my time and energy on JEE Advanced, which would be happening in May. As to the concerns about perhaps losing the JEE main rank, Submit noted that rank doesn't matter. I am not too bothered about the rank. JEE mains is the only the first step. It is all about JEE advanced." तो भाई उनका मानना ये है, अगर आपने इसमें थोड़ा अच्छा स्कोर कर लिया, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी कैसे डिसाइड करो उसमें मैंने बोला था कि अगर 85% टाइटल से अबव अगर आपने JEE mains जनवरी के एग्जामिनेशन में स्कोर करा है तो आपको अप्रैल वाले की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर आपका मई में एग्ज़ाम है जेई एडवांस का, तो आपको उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप अप्रैल वाला एग्ज़ाम मत दो, आप अप्रैल का एग्ज़ाम दे सकते हो, बट अभी जो प्रिपरेशन करनी है आपको एडवांस की करके चलनी चाहिए, क्योंकि एडवांस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप एक बार मेंस का दे चुके हो और दोनों में अगर आपने 85% से अबव स्कोर कर लिया है तो आपको एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अप्रैल में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो उसके लिए, बट उसी टाइम थोड़े दिन पहले आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, से 20 to 30 days। तो गाइस ऐसी दो तीन टॉपर्स और हैं, उससे आर्टिकल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। उन्होंने यही बोला है कि अगर हम और हमारे साथ वाले स्टूडेंट जितने भी 85% से स्कोर कर रहे हैं वो अप्रैल वाला एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं, और जिन्होंने उससे कम स्कोर करा है वो अप्रैल वाला दे रहे हैं, ताकि क्या पता उनके 85-90 ऐसे कुछ स्कोर कर जाए और उनका वो वाला कंसीडर करा जाए एडवांस के लिए। फिर उसके बाद इस बार अनुमान लगाया गया है कि 70 to 80% स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड होंगे एडवांस वाले एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज इस वीडियो में, इस न्यूज़ में अभी इतना ही। ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है लेटेस्ट तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।